हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे बी आर रीडिंग टेंथ लेसन ऑफ इंग्लिश बुक मारी गोल्ड द नेम ऑफ दिस लेसन इज रिप विंकल दिस स्टोरी इज अबाउट रिप विंकल अ गुड नेचर बट लेजी मैन हु गोज अवे इन द दिल्स एंड फाइंड अ स्लीप वेन ही अवे कर्स ट्वेंटी ईयर्स लेटर रिप फाउंड दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज ये स्टोरी एक रिप वैंड विंकल नाम के आदमी की है जो बहुत आलसी था लेकिन बहुत अच्छा इंसान था जो एक बार एक पहाड़ी में चला जाता है और 20 सालों तक सोया रहता है मैनी ईयर एट द फुट हिल्स ऑफ द काटिल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज इन द दिलेज लिव सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड बैनविंकल बहुत साल पहले कार्टस्किल नाम की पहाड़ी के नीचे एक गांव था जहां एक रिप बैनविंकल नाम का आदमी रहता था ही वॉज अ काइंड रेडी टू हेल्प एनी एवरीवन इन द वेज लाइट हिम द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउट विद जॉय वेनएवर द सा हिम बिकॉज ही प्लेड विद डैम ही टॉर्ड डैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्वल्स एंड टोल डैम लॉन्ग स्टोरीज उस गांव के सभी लोग रिब विंकल को बहुत पसंद करते थे खासकर बच्चे बहुत पसंद करते थे जब भी वो आता तो बच्चे चिल्लाते थे क्योंकि वे उनके साथ पतंगे उड़ाता होते हैं, कंचे खेलता और साथ में उन्हें लंबी लंबी स्टोरियाँ भी सुनाता The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just idled away his time. Rip की एक ही problem थी कि वो बहुत आलसी था। वो अपने ही farm में काम नहीं करता था और अपना जो समय था उसे waste करता था। His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. उसकी जो fences ही जो बाड़ दीवारें थीं वो टूट गई थीं। उसकी जो गाय थी वो अपने रास्ते से भटक गई थी मतलब वो इधर उधर चली जाती थी वीड्स होते हैं जो फालतू का जो घास होता है उसे वीड्स कहा जाता है उसके फार्म में चारों तरफ वीड्स उग गई थी रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड बोल्फ टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग रिप का एक ही अच्छा दोस्त था उसका कुत्ता जिसका नाम था बोल्फ

ज्यादा लंबा चढ़ने के कारण वो बहुत थक गया था और वो लेट गया और दिन में ही सपने देखने लगा इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज जल्दी ही शाम हो गई और उसने महसूस किया कि अगर वो गांव के लिए चलेगा तो रात हो जाएगी हेयर इज द पिक्चर ऑफ रिप विंकल सडनली ही हेयर बॉयस कॉलिंग आउट रिप एंडल रिप एन ही लुकड अराउंड एंड सान विद हेयर एंड अ ग्रीजल्ड हेयर वॉकिंग टॉर्ड हिम विदल अचानक उसने आवाज़ सुनी रिबन विंकल रिबन विंकल उसने चारों तरफ देखा और उसे दिखाई दिया एक बूढ़ा छोटा आदमी जिसके घने बाल थे और करली जो थी उसकी दाढ़ी थी और वो एक बैरल बैरल होता है आपका कास्क बोल सकते हैं ढोल या पीपा बोल सकते हैं उसको लेकर आ रहा था ही मेड साइंड टू हेल्प हिम कैरी द बैरल रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कोट हीज हैंड टाइटली उसने उसे उस बैरल को उठाने का इशारा किया और जिसने रिप का हाथ कसकर पकड़ रखा था रिप ने जल्दी से उसका बैरल ले लिया टू गैदर द रीच प्लेस वेयर देअर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पॉइंट्स दे वर ओल्ड ड्रस्ट द सेम वे एंड ओल्ड ऑफ दम हैड बियर ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स वे जल्दी ही उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उसके तरह और भी ज़्यादा लोग थे जो नाइन पॉइंट्स गेम खेल रहे थे उन सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे पर उनकी दाढ़ी जो थी वो अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर की थी इवन दो देवर प्लेइंग अ गेम देयर देअर फेसिस सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस यानी कि वो एक गेम खेल रहे थे लेकिन उनके चेहरे बहुत ही सीरियस थे और वे चुपचाप खेल रहे थे द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द वॉल्स विच इकोड इन द माउंटेंस लाइक थंडर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी जो उन गेंद से थी जो उस माउंटेन में एक थंडर की आवाज निकाल रही थी थंडर मतलब गर्गराहट रिचड प्लेंग एंड स्टार्ट एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज जैसे ही रिप और उसका साथी वहां पहुंचे उन सभी ने खेलना बंद कर दिया और वो रिप को एक ध्यान से देखने लगे रिप वॉज रियली फ्राइटेंड रिप बिल्कुल डर गया His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. उसके साथी ने उस बैरल में जो सामान था वो ग्लासेस में डाल दिया और रिप को पीने के लिए दिया. Rip कांप रहा था डर से और उसने जल्दी से ही बात मान ली. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. जैसे कि रिप बहुत ही प्यासा था, उसने कुछ और ज़्यादा ग्लास पी लिए और बहुत जल्दी ही गहरी नींद में सो गया his eyes it was a bright sunny morning surely i have not slept here all night thought है जब वो जागा उसने पाया कि वो उसी जगह पर था जहां पर वो पहली बार उस बूढ़े से मिला था उसने अपनी आंखों को रब किया और बहुत अच्छी सुबह थी धूप निकली हुई थी और वो सोचने लगा कि मैं शायद रात भर यहीं सोया रहा ही लुकड अराउंड फॉर बॉल्फ बट ही वॉज नोव हेयर

और उसने जल्दी ही माउंटेन से विलेज की तरफ जाना शुरू कर दिया एज ही नियर हिम इक्वली सरप्राइज हु इज दिस मैन सेट वन जैसे ही वे गाँव के पास पहुंचा उसे बहुत सारे लोग दिखाई दिए जिनको वो नहीं जानता था वैसे ही बिलेजर जो थे वो भी उसे हैरानी से देख रहे थे कि ये आदमी कौन है उनमें से एक ने कहा

स्टॉक किया जिनको उसने छुआ और देखा कि वहाँ पर तो एक लंबी दाढ़ी थी जो एक फुट लंबी हो गई थी और सारी वाइट थी एन ओल्ड वोमेन वॉकड लुकडेट इट इज रिब एंडल वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर वै यू बीन दिज ट्वेंटी लॉन्ग ईयर एक बूढ़ी औरत आई और उसने ध्यान से उस चेहरे को देखा और वो एकदम से चिल्लाई यह रिब एंडल है घर वापसी में तुम्हारा स्वागत है मेरे पुराने पड़ोसी तुम बीस सालों से कहाँ थे तो ये स्टोरी है रिबन एन के बारे में जो जंगल में जाता है वहाँ उसे कुछ अजनबी मिलते हैं और जहाँ वो कुछ उसे ड्रिंक पीने को देते हैं जिसको पीने के बाद वो बीस सालों तक सोए रहता है सो हेयर आर सम वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन फुट हिल्स दामन तलहटी गुड नेचर्ड चेयरफुल अच्छा स्वभाव लेजी स्लोथफुल आलसी फैंस बॉल बाड़ा दीवार एस्ट्रे गेट ऑफ एगले रास्ते से भटकना गुमरा वीड्स यूजलेस ग्रास घासपात कॉन्स्टेंट continual सदा साथ रहने वाला क्लाइंब गो अप चढ़ना डे ड्रीमिंग ड्रीम दिन में सपने देखना रियलाइज कंसीडर समझना बियर्ड फेस फंगस दाढ़ी grey ग्रेहेय भूरी बैरल cask ढोल या पीपा odd लुकिंग इविल लुकिंग अजीब चित्र thirsty need to ड्रिंक प्यासा सीरियस grave गंभीर इको रिसाउंडिंग गूज अ फ़िक्स्ड गेज स्टार्टेड एक टक एम टी अनलोड खाली ट्रैम्बलिंग शेक कांपना रब्ड मसाज मरना डिसेंट गेट ऑफ नीचे उतरना म्यूचर्ड मम्बल बुदबाना धीरे से बोलना रिंकल्ड क्रीज झुरियों से भरा हुआ स्टॉक्ट डैब हाथ फेरा कंपेनियन पार्टनर साथी एस्टोनिशमेंट स्टर्न ईरानी से कहना Here is its first question. Where did Rip Van Winkle lived? Rip Van Winkle lived in a hilly village. Second question. What kind of person was he? He was simple and helpful person. Third question. How many day did he sleep? Answer is he slept for 20 years. Here is the bookwork. Match the words in the box with their meanings. Grizzled astonished foothills stalked, familiar. Near the lower part of a mountain called foothills. With grey hair grizzled. To be very surprised, astonished, known to you, familiar. Say whether the following sentences are true and false. Rip was kind to of two children. True. Rip was a hardworking man. False. The short old man on the mountain was his constant companion. False. Rip had the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the well. False. Rip was away. For twenty years because he was asleep on the mountains. True. The drink from the barrel made him fall asleep for twenty years. True. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. False. Third question. Complete the following sentences. Rip's village was situated at the foothills of mountain. The children of the village loved him because he played with them and told them stories. Wolf the dog was his constant companion.

And here is what kind of a man was Rip Van Winkle. First, he was a kind neighbor, he was a good natured man, he loved to play with children, he was a very lazy man. Pick out the names of the games mentioned in the story fly kites, chess, nine pines, shooting marbles, mountain climbing, shooting, skipping, hopping, plank kites, nine pines, shooting marbles, and mountain climbing. Here are some fill ups Mrs. Das has a part time job in a clothes shop. Yesterday, an odd looking woman barked. Into the shop, she was wearing high-heeled shoes. A sweet-looking dog was with her. I want a long-sleeved shirt for my dog, please, she said. Asked him, Mrs. Das open-mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be well-dressed for my next party. Here are some words, silent words. They say, knee, knife, not, no. Here is K silent. Neighbor, daughter, fight, straight. G-H, silent. Honest, honor, are, here. At, silence try to make more silent letters from nat nash no, tongue wag morgue chalk talk walk whistle whistle hustle here are some opposite awake asleep wake up sleep get up lie down lazily quickly and here are some fill-ups wake up and get up shh, the baby is asleep asleep opposite wake up awake you should be asleep now or you will not be able to get up in the morning for school. Here is also some fill-ups. Pause this video and fill into your book. These are very So, students, this is the lesson of Free van winkle a beautiful story. If you are new in my channel, then please subscribe, like this video, and share video with your friend and bell press icon for getting my next video's information quickly. Thank you, thanks for watching. Have a good day, stay safe, stay healthy, take care. Bye bye.